हाय गाइस, हाउ आर यू। दिस इज दिनेश फ्रॉम कानपुर। मैं आज के सामने ना पढ़ाई की बात करूंगा और ना ज्ञान की बात करूंगा। आज बात करते हैं लाइफ की फैक्ट की। ठीक है, लाइफ में क्या क्या फैक्ट होने चाहिए, क्या क्या फैक्ट होते हैं। लाइफ फैक्ट, ठीक है। लाइफ फैक्ट में क्या होता है कि हम लोगों का जो मेंटल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट और क्या कहते हैं उसको, माइंड स्टेट, ठीक है, MENTAL, मेंटल फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, ठीक है। दो स्टेट अगर अपनी प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर लिए तो फिर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा तुम्हें लाइफ में। बड़ी बड़ी लड़कियाँ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चीज़ें तुम्हारे संपर्क में आती रहेंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग की हॉबीज़ क्या है, हम लोग करते क्या है असल लाइफ में, हम लोग की रियल लाइफ क्या है, तो वो सबके साथ ही स्पेंड करना टाइम, ये सबको बताना सबके बस की बात नहीं है। बट हम जैसे वीडियो बनाते रहते हैं तो उसमें चीज़ें समझाते रहते हैं कई कई लोगों को, क्योंकि इसमें अपने इमोशन जो होते हैं ना तो एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज़ किसी को बताते हैं, ठीक है, तो उसमें इमोशन एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो उससे पता चलता रहता है ये बंदा कैसा है, ये बंदी कैसी है, इस बंदे में दम है, उस बंदे में दम नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ इमोशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इमोशन, उसके लिए सारी चीज़ें करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि माई हॉबीज आर सिंगिंग अ सॉन्ग, लिसनिंग अ सॉन्ग, राइटिंग अ सॉन्ग, पेंटिंग्स। तो मेरी कई हॉबीज़ हैं, जैसे मैं गाना लिखता हूँ, गाना गाता हूँ, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क करता हूँ, अच्छी जगह में जाना पसंद करता हूँ, अनजान लोगों से मिलना, फ्रेंडशिप करना, ये सब मेरी हैबिट्स हैं, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मेरी हॉबीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पेंटिंग का तुम्हें वीडियो दिखा ही चुका हूँ। अब सोच रहे हो कि यार गाना लिखता है तो बना के सुना दे यार, तो दिस इज़ द रॉन्ग यार, मैं इसे नहीं कर सकता, वो तुम्हें पर्सनल मिलना पड़ेगा, पर्सनली हम तुमको बता देंगे, सुना देंगे, सिखा देंगे, सारी चीज़ करा देंगे, वो अपना पार्ट अभी नहीं इस वीडियो में। इस वीडियो में क्या कि लाइफ के फैक्ट की बात चल रही थी, ठीक। लाइफ के फैक्ट में क्या होता है भाई कि लाइफ के फैक्ट में क्या होता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। जिंदगी में कुछ भी करना, ठीक है, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी करना है तो हर चीज़ इम्पॉसिबल है, कोई भी असंभव नहीं है, ठीक है। बस अपने माइंड और मेंटल स्टेट को पकड़ के रखो, ठीक है। अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम हार जाते हो कि भैया अब हमसे नहीं होगा, ये चीज़ हम करेंगे क्या, क्या कर पाएंगे, ऐसे कुछ नहीं आते, सब कुछ कर सकता तू, तेरे पास सब कुछ है, ठीक है। तो दिमाग ऊपर नेचर ने तुमको एक ब्रेन दिया, ठीक है, ब्रेन के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी सोशल साइड क्या है, तुम्हारी फिजिकल साइड क्या है, तुम्हारी मेंटल साइड क्या है, तो सब तुम्हारे नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और नेचर कैसे पता चलता है, मेंटल और माइंड और मेंटल स्टेट से। तो देखो मैं बता रहा हूँ, माइंड और मेंटल स्टेट दोनों तय करता है तुम्हारा नेचर क्या है, ठीक है। तो माइंड और मेंटल से पता चल जाता है तुम्हारा नेचर क्या है। अगर किसी बंदे का बंदी का नेचर चेक करना तो उसका माइंड और मेंटल स्टेट दोनों पर फोकस करना, उसका नेचर पता चल जाएगा, फिर उसे फ्रेंडशिप करना ना करना वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब देखो क्या होता है हमारी लाइफ में कि अगर कोई बंदी है, कोई बंदा है, ठीक है, तो उसका हॉबीज़ क्या है, मतलब जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ हॉबीज़ क्या है, उसका प्रोफेशनल तरीका क्या है, ठीक है, किससे इंस्पायर होता है, तुम्हारे कौन इंस्पायर है, ठीक है, वो चीज़ें तय करती है तुम क्या हो, ठीक है। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में कि हमारे कई इंस्पायर, हम लोग की जगह में क्या होता है कि लोग देखते हैं हमारे ऊपर कि इसका स्टेट क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो हमारे स्टैंडर्ड जो होता है ना, तो जानते हो किन बातों पर तय करता है, हमारे स्टैंडर्ड जो होता है तो फिजिकल, PHYSIC, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, बिहेवियर लेवल पे हो गया, ठीक है, और फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियर, फ्रेंड, रियल हो गया। तो देखो फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, बिहेवियर हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, ठीक है, फ्रेंडियल हो गया। तो हर लेवल की बात करते हैं, ठीक, किस लेवल पे तुम्हारी क्या पहुँच है, क्या स्टेट है, तो उसको दर्शाता है कौन, नेचर दर्शाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बात हमें सिर्फ दिमाग में रखना कि यार तू सब कुछ कर सकता है, तू मतलब लाइफ में हर चीज़ कर सकता है, ठीक है, तू बस हार मत। मेरे कहने का मतलब है कि आदमी हर चीज़ से हार जाता है, अगर हर चीज़ से हार जाता है तो उसको सही इलाज है, प्रॉपर इलाज है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, वो सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेन से हार गए तो उसका कोई इलाज नहीं होता। मेरे कहने का मतलब जान दो क्या है,
भाई माइंड, माइंड ऐसी चीज़ होती है कि अगर यहाँ से हार गया तो साला सबसे हार जाता है, मतलब कि जिंदगी में तुम सबसे हार जाओगे जीत जाओगे चल जाएगा। अगर तुम सब कुछ हार चुके हो तभी हिम्मत मत हारना यार, क्योंकि यार माइंड बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ये एक बार दिमाग लग गया ठीक है, अगर माइंड अगर तुम्हारा सही है, मेंटल स्टेट सही है, तो गुरु तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से हार जाओ चल जाएगा तो यहाँ से मत हारना। ठीक है, अगर जो बंदा यहाँ से हार जाता है ठीक है, माइंड से जो हार जाता है वो गुरु जिंदगी हार जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी कुछ करना तो फेल के करो सर को। अगर किस चीज़ में अगर अनसक्सेस मिलती है ठीक है, असफलता हाथ लगती है, कोई बात नहीं, फिर से हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, यानी कि क्रिकेट हमारी लाइफ जो होती है क्रिकेट गेम की तरह होती है, एक बार आपकी चली जाती है ठीक है, मिस हो गई ना बॉल, दूसरी बार आने दो फिर मारो छक्का, तीसरी बार आने दो फिर मारो छक्का, इसी में तो छक्का पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अब इसे थोड़ा कि एक बार छक्का मार दिए बॉल आई दूसरी इस बार नहीं मारा तो आप बाहर चल गया, दिस इज रॉन्ग यार। तो माइंड और मेंटल स्टेट तुम्हारा नेचर चेक करता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि कभी अपने आप को हार मत समझना। ठीक है, तुम आप सारा अपना स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, अपना स्टेमिना होता है, तुम अपने स्टेमिना को पहचानो। ठीक है, उसे हम बॉडी की बात नहीं करें, जैसे बॉडी हो गया ठीक है, दिस इज द बॉडी, तो बॉडी की बात नहीं करें ठीक है, स्टैंडर्ड की बात करें, दिस इज द स्टैंडर्ड होता है, अपना स्टैंडर्ड स्टेमिना होता है, हमारे कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। ठीक है, तो उसी की बात करें। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ से हार जाते हैं आदमी तो नहीं चलता। ठीक है गुरु, यहाँ से कभी लाइफ मत हारना। ठीक है, बस चलते रहो, मरते रहो, खुद ही करते रहो, कर जाओ लाइफ में, दिस इज़ द लाइफ फैक्ट, ये लाइफ के फैक्ट होते हैं। लाइफ में क्या होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए छोड़ देना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए छोड़ देना, दिस इज रॉन्ग यार। हमें किसी चीज़ के लिए किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, फ्रेंड के लिए लड़की, लड़की के लिए फ्रेंड, ठीक है, यानी फ्रेंड के लिए गर्ल या गर्ल के लिए फ्रेंड हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं यार, हमको सबको पकड़ना है, अगर छोड़ता तो जाओ बाहर में जाओ, क्योंकि यार लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि इस लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं, इस लाइफ में, इस दुनिया में। ठीक है, तो अपना अगर स्टैंडर्ड बढ़िया है, अपना हेल्थ बढ़िया है, अपना सब कुछ बढ़िया है, तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। तो खुद को पहले ध्यान दो, फिर इसके बाद सबको ध्यान दो, दिस इज द लाइफ फैक्ट, ये लाइफ फैक्ट के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई बेटा दिस इज़ गुड टच, दिस इज़ बैड टच। ठीक है, तो उनको छोटे छोटे बेबी लोग को समझाया जाता है कि दिस इज़ गुड टच, दिस इज़ बैड टच, तो वो सीख जाते हैं, उनका माइंड लेवल जो होता है तो बिल्कुल जीरो होता है, उनका स्टार्टिंग होता है। ठीक है, स्टार्टिंग लाइफ होती है, हम लोग की लाइफ क्या है कि हम लोग की लाइफ में गंदी चीज़ अच्छी चीज़ सब चीज़ भर गई है। ठीक है, तो हमको सोल से भी डर लगता है, ताकत भी आती है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता जाता है, सब कुछ उतरे देते हैं। हमारी लाइफ में क्या है कि हमारी लाइफ में हाँ है ना है, हाँ है ना है, लेकिन बच्चे के बेबी के केस में सिर्फ ना है ना है ना है ना है। ठीक है, अगर उस अगर स्नैक को पा गया या किसी और को पा गया तो पकड़ के खेलना शुरू कर देता है, हम लोग अगर स्नैक को देख लिए तो भाग जाते हैं देख के। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पे वो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो मेंटली डिफेक्टेड होते हैं ऐसे लोग, ये बात हमेशा याद रखना। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी बंदी को देख के हमारा दिमाग कुछ चलता है, ठीक है, अगर किसी लड़की को देख के हमारा कुछ कुछ करने का मन कर रहा है, ठीक है, तो समझ जाना कि ये बंदा, जो बंदा किसी बंदी को देख के कुछ कुछ करने की मन कर रहा है, या वो पटांग मन मतलब बंदी नज़र उसे देख रहा है, ठीक है, या इसे कहते हैं आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आई रिपीट्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं तो आई रिपीट्स बन जाते हैं, यानी आंखों आंखों से बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान से बच के रहना, और ऐसे लड़की ऐसे लड़कों या लड़कियों से दूर रहना। तो मैं लड़कियों के लिए भी कहता हूँ, लड़कों के लिए भी कहता हूँ, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए कहता हूँ, स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल दोनों के लिए मेरा ही यही नियम है। ठीक है, कि जो आंखों से बलात्कार करते हैं, आई कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, आप आई रेपिड्स जो लोग होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ठीक है, उनको जूते चप्पल दे देना चाहिए, दिखा देना चाहिए, तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सिक्रेटेड उस समय ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। ठीक है, आई रेपिड्स हो जाते हैं कुछ लोग, तो ये सब चीज़ों को फालतू बुलाते हैं, बिगाड़ बुलाते हैं, दिस इज द रॉन्ग। ठीक है, ये सब सही बात नहीं है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और आई रिपीट से बचना चाहिए। ठीक है, और ऐसे लोग जानते हो क्या होते हैं, ऐसे लोग इफेक्टेड होते हैं, ऐसे लोग डिसीज़फुल होते हैं, ऐसे लोग बीमार होते हैं। ठीक है, वो शारीरिक रूप से फिजिकल रूप से हेल्थफुल होते हैं, लेकिन मेंटल रूप से बीमार होते हैं। ठीक है, मेंटल डिफेक्टेड होते हैं ऐसे लोग। तो मेंटल डी आई डबल ऐसे लोग फिजिकल फिटनेस पे होते हैं। ठीक है, फिजिकल पी एच वाई एस आई सी ए फिजिकल फिटनेस एफ आई टी एन ई एस फिटनेस फिजिकल फिटनेस में ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन मेंटल डिफेक्टेड होते हैं,
तो दिस इज द मेंटल डिफेक्टेड, तो मेंटल डिफेक्टेड से डिस्टेंस बनाना ही हम लोग के लिए बेटर रहता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के ही रखना चाहिए, ठीक है। और ऐसा बंदी बंदा, ऐसा कोई दोस्त या दो या फ्रेंड हो जो तुमको मतलब परेशान करता हो या तुम्हारे मतलब सोच से बाहर हो, जैसे तुमको उसका नाम किसी का नाम लेने से प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ से हमेशा दूर ही रहो, ठीक है। तुमको प्रॉब्लम नहीं देना लाइफ में, ऐसी कोई बात किसी से करने में प्रॉब्लम होती तो बात ही मत करो, तो खुद की लाइफ बनाओ, खुद की लाइफ में जीने का मज़े ही कुछ और होता है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप और घर परिवार ये सारी चीज़ देखो बिना तकलीफ में आ जाओगे, तो सारी चीज़ छोड़ के अपना करियर पर ध्यान दीजिए। दिस इज़ द मेंटल डिफेक्टेड, तो गुरु सब चीज़ से हार जाओ चल जाएगा, पर दिमाग से मत कर लिया हमने, ठीक है। ये सलाह जो है ना, ये अगर जो यहाँ से हार जाता है उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं सलाह, जैसे कोरोना का इलाज नहीं है ना, वैसे इसका भी कोई इलाज इलाज नहीं है, ठीक है। तो कोरोना वायरस का आज तक कोई इलाज ही नहीं है, यहाँ का भी कोई इलाज नहीं है, तो कहीं से भी हार जाओ चल जाएगा, यहाँ से मत हारना, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड याद देखो यार, ठीक है, स्टैमिना देखो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू, दिस इज दिनेश फ्रॉम कानपुर, ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।